नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। यूपी में बिजली कटौती से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं। कई जगहों पर लोगों ने पावर सब स्टेशन के बाहर हंगामा भी किया है। इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी। बिजली की आपूर्ति न होने की वजह से मार्च के महीने में लोगों को मई जून जैसी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इससे सरकार बैकफुट पर आ गई है। वहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली कर्मचारियों के नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया। वहीं दूसरी तरफ कर्मचारियों के नेताओं की गिरफ्तारी की संभावना भी बनी हुई है। कर्मचारियों के नेता अपनी गिरफ्तारी की संभावना जता रहे हैं। कर्मचारी नेता फील्ड हॉस्टल में रणनीति बनाकर मंत्री से मिलने पहुंचे। इस दौरान कर्मचारी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि अगर गिरफ्तारी भी हो जाए तो अनिश्चितकालीन प्रदर्शन करना। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा के साथ कर्मचारी नेताओं की बातचीत हुई और दूसरी तरफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। कर्मचारी नेता शैलेंद्र दुबे समेत 22 नेताओं पर नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। वहीं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के लोगों से बातचीत की, लेकिन एके शर्मा और विद्युत कर्मचारियों के बीच वार्ता बेनतीजा रही। आपको बता दें कि संघर्ष समिति के पदाधिकारियों की मांग ऊर्जा मंत्री ने नहीं मानी। समिति के लोग लगातार चेयरमैन एम देवराज को उनके पद से हटाने की मांग को लेकर अड़े रहे, जिसके कारण 3 घंटे तक चली बातचीत असफल रही। लेकिन क्या सरकार का रुख अब देख सकते हैं? पॉजिटिव होना चाहिए बातचीत, तो निगेटिव थोड़ी होती है। आपने क्या रखा अंदर, अपनी क्या बात रखी? देखिए बहुत सी बातें हैं, कर्मचारियों के हित में आप पर भी एफआईआर हो गई है, मुझे मालूम है। अब 749 पे आप पे भी एफआईआर हो गई, मुझे मालूम है। इस पर क्या कहेंगे? इस पर हमको तो हमने थोड़ा एफ आई आर करवाया नहीं, एक तरफ एक तरफ आपसे बातचीत हो रही है, तमाम पदाधिकारी बुलाया जा रहा है, दूसरी तरफ एफ आई आर की सूचना आ रही है, इसको लेकर क्या बात है? चलिए बहुत बहुत वहीं बिजनौर के हिमपुर थाना क्षेत्र में एक झोपड़ी में आग लगने से 3 पशुओं की मौत हो गई और 2 पशु झुलस गए। झुलसे पशुओं की हालत अभी नाजुक है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले पर जानकारी देते हुए बताया पशुओं के बाड़े में आग लगने से की घटनाएं काफी सामने आ रही हैं। फिलहाल पीड़ितों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है और मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बस आग लगा दी किसी ने। अच्छा, क्या नुकसान हुआ इसमें? नुकसान ये 5 डंगर मर गए। 5 डंगर मर गए। अच्छा, लगभग कितने का नुकसान हुआ? 2.5-3 लाख रुपए। किसी पर शक है? बस यो नहीं कह सकते, बस भगवान ही जाने चीज को, तो बस जो भी कुछ करेगा भगवान ही करेगा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लखनऊ में 1449.68 करोड़ की लागत से संचालित 352 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। राजधानी लखनऊ के काल्विन कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक भी मौजूद रहे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने शनिवार सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में सभी बार दर्शन करने वाले पहले सीएम भी बन गए हैं। 2017 में प्रदेश की सत्ता संभालने वाले योगी आदित्यनाथ अब भी काशी आते हैं। अमूमन हर बार बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी जरूर लगाते हैं। सीएम योगी मंदिर में षोडशोपचार विधि से दर्शन पूजन कर लोक कल्याण की कामना करते हैं। वर्ष 2017 से अभी तक अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ 100 बार बाबा की दरबार में हाजिरी लगाने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं।
वहीं संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने 16 मार्च को चंदौसी के एआर कोल्ड स्टोर इस्लाम नगर रोड ग्राम बरई चंदौसी में हुई दुखद घटना में मृतक श्रमिकों और मजदूरों के परिवारजनों के यहां पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। हादसे में घायल हुए लोगों के यहां पहुंचकर परिवारजनों से मिलकर संवेदना व्यक्त की। वहीं मुरादाबाद मंडल में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल के चंदौसी स्थित कोल्ड स्टोर दुर्घटना में घायल हुए लोगों से भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना और उनके उपचार के संबंध में चिकित्सकों से जानकारी ली। अरुण पुत्र प्रेम सिंह, ये भी मोहल्ला रामनगर। संधु पुत्र विजय, मोहल्ला रामनगर। मनोज कुमार पुत्र हरिओम, ग्राम बर्रई। प्रेम सिंह पुत्र श्रीराम, ग्राम बर्रई। और नरोत्तम, ये छह लोग जो हैं, इनको प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कल की घटना के संबंध में जो विस्तृत जानकारी है वो आपको जिलाधिकारी महोदय के द्वारा भी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की तरफ से की गई कार्रवाई के संबंध में आपको अवगत कराना है कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की जनपद में उपस्थित सभी इकाइयों को एक्टिवेट करते हुए उनको मौके पर पहुंचाया गया। साथ में तीन कंपनी पीएसी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी थी कि वहां पर कोई और इस तरह की आगे कोई उसमें स्खलन ना हो, उसमें किसी प्रकार से कोई जनहानि ना हो। वहीं प्रदेश भर के संविदा विद्युत कर्मचारी अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर गए हुए हैं। इसी के साथ अब अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे संविदा कर्मियों ने आगे भी धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया है। कुशीनगर के कसिया में भी धरने पर बैठे संविदा कर्मियों का धरना दूसरे दिन भी जारी है, जिसे लेकर जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि सरकारी काम में बाधा डालने वाले कर्मचारियों के ऊपर तुरंत FIR दर्ज की जाए, तो वहीं तीन लोगों पर स्थानीय थाना से FIR भी दर्ज की जा चुकी है, जिससे धरना कर्मियों में आक्रोश है। वहीं सीतापुर में भी कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से बिजली की समस्या हो रही है। क्षेत्र में बिजली की समस्या से ने विकराल रूप ले लिया है। आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से लाइट नदारद है। बिजली की समस्या से जनमानस परेशान है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी दफ्तर हो। दूसरी तरफ मामले में योगी सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है, ताकि लोगों को आगे बिजली की समस्या का सामना ना करना पड़े। अभी हम हैं सीतापुर के विद्युत वितरण प्रथम में, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो दिन से जो है पोतिया कार्य बहिष्कार चल रहा है, धरने पे लोग बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ हैं, पूछते हैं आखिर क्या मामला है। देखिए, हम लोग आज बैठे हैं, सरकार ने हमारे 3 दिसंबर को जो समझौता हुआ था माननीय ऊर्जा मंत्री ने किया था, उन्होंने कहा था कि समय मांगा था कि 1 महीने में आपकी पूरी मांगे जायज है और उनको हम पूरा करेंगे, परंतु ऊर्जा मंत्री है वो कतई वादा खिलाफी कर गए। हमारे विभाग में एक इसके मुखिया बैठे चेयरमैन एम देवराज, जो कि अपनी शासन सत्ता लोलुपता के कारण पूरे विभाग को आज पूरे उत्तर प्रदेश में त्राहिमाम करा रहे हैं। हालत ये खराब हो रही कि कोई भी कर्मचारी अधिकारी जो है हड़ताल पे नहीं जाना चाहता, लेकिन जब हमारे घर परिवार के अधिकार छीने गए तो हमें संविधान ने राइट्स दिए हैं कि हम लोग हड़ताल पे जाएं। इसके लिए हम पब्लिक को नहीं परेशान करना चाहते। आज ये आया है कि सरकार ने कहा कि हम जेल में भी ऊर्जा मंत्री ने जेल में भी डालेंगे। अभी हम हैं विद्युत वितरण खंड प्रथम में, जहाँ पे दो दिन से पोतिया कार्य बहिष्कार धरना प्रदर्शन चल रहा है। आप पीछे देखो, नारेबाजी चल रही है। दो दिन से आसपास के इलाकों में, शहर में, गांवों में बिजली की समस्या बराबर चल रही है। प्रशासन और जो ये धरने बैठे कर्मचारियों का अभी भी कोई हल नहीं निकल रहा है, क्या करना है। हाँ, जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्यों दो दिन से लाइट बहुत समस्या है, गांवों में बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, शहरों में भी बहुत समस्या है, पानी की, लाइट की सब व्यवस्था चरमराई हुई है। मिली जानकारी के अनुसार डीएम अनु सिंह ने एक कंट्रोल रूम की भी स्थापना की है, तो उसमें भी ये पता चला है कि अभी 300 से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। अब देखते आगे क्या होता है, बीच का रास्ता क्या निकलता है। हर खबर के लिए सूरज तिवारी।
वहीं कन्नौज के जलालाबाद सहकारी समिति में संचालक पद का चुनाव दो बीजेपी नेताओं की प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। एक दावेदार को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि दूसरा दावेदार खुद को जन्म से बीजेपी का बताकर बगावती तेवर अपनाए हुए है। संचालक पद के ये दोनों दावेदार बीजेपी और संघ से जुड़े हैं। दोनों ही दावेदार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं। कन्नौज के जलालाबाद पहुंचे जलालाबाद सहकारी समिति में 339 वोटर हैं। बीजेपी ने यहां विनय अवस्थी को अपना समर्थन दिया है। यहां दूसरे दावेदार गिरीश चंद्र पाठक हैं। पाठक भी बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हैं और टिकट की मांग कर रहे थे। जब टिकट नहीं मिला तो गिरीश पाठक ने बगावती तेवर अपनाते हुए निर्दलीय ताल ठोक दी। ये देखकर सपा ने जलालाबाद से अपना कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया और गिरीश पाठक को समर्थन दे दिया है। खुद को संघ और बीजेपी का बताकर दोनों दावेदार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। ये चुनाव हो रहा है सहकारी समिति का, ये इसमें डायरेक्टर चुने जाएंगे। डायरेक्टर चुनने के बाद इसमें अध्यक्ष का चुनाव होगा, वो कल होगा। आज डायरेक्टर चुना जाएगा, उसका जगदीश जी जो वोटर हैं, जगदीश जी बकाया वाले डरेंगे नहीं, जगदीश जी वाले डरेंगे नहीं, और जो सेफ हैं मतलब स्वच्छ साफ हैं वो ही डालेंगे। अब तय हमारे प्रतिद्वंदी तय करेंगे कौन बीजेपी का है ना, तय कौन करेगा है ना। हाँ, इसके बाद ये पद संचालक पद है। खबर संभल से है, जहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी के महामहिम राज्यपाल के नाम उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि ज्ञापन में बताया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितों को ध्यान में रखते हुए भूमिहीन होने से बचने के लिए प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 कानून बनाया गया था। इसके तहत एक सीमित रकबा 3.125 एकड़ से अधिक कृषि भूमि यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग विक्रय करना चाहते हैं तो उन्हें जिलाधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती का पुंछ दौरा रहा। पुंछ दौरे के दौरान महबूबा मुफ्ती यहां के नवग्रह मंदिर गई थी। महबूबा मुफ्ती ने ना सिर्फ मंदिर में अंदर घूमकर निरीक्षण किया बल्कि शिवलिंग पर जलाभिषेक भी किया। इसका वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर छा गया है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे खूब शेयर कर रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से पूर्व सांसद देवेंद्र नागपाल ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के शिव मंदिर में जलाभिषेक करने को लेकर कहा कि मैं मोदी जी और योगी जी का धन्यवाद करता हूं जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते थे और नफरत फैलाने का काम करते थे, आज वो लोग खुद भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आने वाला समय इससे भी अच्छा होगा। महबूबा मुफ्ती जो है मंदिर में जा रही है और शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रही है, इसके बारे में क्या कहें? ये माननीय मोदी जी को और माननीय योगी जी को भारतीय जनता पार्टी की ओर मैं बधाई देता हूं कि आज ऐसे लोग जो हिंदू और मुस्लिम की बात करते थे, तुष्टिकरण की बात करते थे, सांप्रदायिकता की बात करते थे, आज वो लोग जाकर खुद ही जो है वहां पर समभाव समधर्म के हिसाब से वहां जल चढ़ाने का कार्य कर रही है। वहीं अमरोहा जनपद के अमरोहा नगर के वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक डॉक्टर पंकज बादल की बहन एकता चौधरी को बीकॉम एलएलबी में पहला स्थान मिला है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गोल्ड मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया गया, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं एकता चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनका सपना है कि वो आगे चलकर पीसीएस सेवा में जाए और उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने भाई को दिया है। मैं अमरोहा से बिलोंग करती हूँ। टीएमयू यूनिवर्सिटी से मैंने बीकॉम एलएलबी
की डिग्री प्राप्त की है, उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का वहाँ पे आए थे, उनके द्वारा मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए बहुत ही गौरव की बात है। अब क्या करना चाहती हैं आप? अब मैं आगे जुडिशरी में जाना चाहती हूँ। वहीं बांदा में विद्युत कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद से बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बांदा के दर्जन भर मोहल्लों में कई दिनों से लाइट नहीं आई, साथ ही पानी भी नहीं आया है। पलहरी गांव में लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर घंटों प्रदर्शन किया। मौके पर पहुंचे उच्चाधिकारियों ने समझा बुझाकर किसी तरीके से जाम खुलवाया। अच्छा लाइट नहीं आ रही तो पानी नहीं आ रहा? पानी नहीं आ रहा, लाइट नहीं, ना व्यवस्था नहीं है वहाँ कुछ चीज का, ना वहाँ खम्भे का व्यवस्था, कोई खम्भे का व्यवस्था करवा दे, लाइट खिंचवा दे वहाँ। हमारे तरफ से मारे लग रहा है। कब से नहीं आ रही लाइट? एक हफ्ते से हमारी लाइट नहीं आ रही है, हम बहुत परेशान हैं। कितने दिन से धो रहे हैं? 6-7, 8 दिन से। कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ से ले आते हो? ये यहाँ लाइन कैसी? कहाँ से? पलरी का साल है। पलरी कहाँ से लेके आते हैं? वहाँ से लेके आते हैं। वहीं जनपद बिजनौर के चांदपुर तहसील क्षेत्र के में वन माफिया की भूमि पर भूमाफियाओं ने काफी समय से अवैध रूप से कब्जा कर रखा था। इस भूमि को वन विभाग की टीम जब कब्जा मुक्त कराने पहुंची तो वहां पर पहुंचे चांदपुर ब्लॉक प्रमुख के पुत्र बीजेपी नेता कपिल चौधरी और भूमाफियाओं द्वारा वन विभाग के कर्मचारियों को कब्जा मुक्त कराने से रोकने का प्रयास किया गया और वन विभाग की टीम पर हमला कर उनके साथ जमकर मारपीट भी की गई। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा इन सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने 8 नामजद और 16 अज्ञात बदमाशों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दतियाना वन ब्लॉक के आरक्षित वन क्षेत्र में सुजातपुर खादर में हमारी धारा 20 की भूमि है, उसको हम लोग खाली करा रहे हैं। वो बहुत समय से कब्जे में चली आ रही थी। गांव वालों की सहमति से तहसील प्रशासन के स्तर से उस मामले को पूरे को शॉर्ट आउट कर लिया गया है, लेकिन 23 हेक्टर भूमि से लगभग हम 15 हेक्टर कब्जा हटवा भी चुके हैं और वो गांव वालों की सहमति से ही हटा है। जो मतलब हमने जांच में पाया है वो ये पाया है कि कैराना वगैरह से जो लोग बाहर से आए हुए हैं, इन लोगों ने वो जमीनें उनको बेवकूफ बना के कि ये जमीन हमारी है, अपना उनसे पैसा धन उगा के अवैध वसूली करके और उनको बिठा दिया। वहीं शनिवार को गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग राज्य मंत्री और केंद्रीय नागर विमान राज्य मंत्री डॉक्टर जनरल वीके सिंह जी ने एक बड़ी सौगात दी है। बहरामपुर अकबरपुर स्टेशन के पास 200 टीपीडी स्मार्ट स्टेशन के निर्माण, अनुरक्षण एवं संचालन के कार्य का उद्घाटन किया। वहीं शहर के अकबरपुर बहरामपुर क्षेत्र में नगर निगम का स्मार्ट कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन आम जनता की सेवा के लिए समर्पित हो गया है। इसके तहत नगर निगम की गाड़ियां घरों से अकबरपुर बहरामपुर स्टेशन तक कूड़ा लेकर आएंगी और यहां पर कूड़े के कंटेनर में डाला जाएगा और फिर इसको प्रोसेसिंग ग्राउंड तक पहुंचाया जाएगा। वहीं जनपद अमरोहा के थाना नौगावा सदात क्षेत्र के गांव बिल्ली में देर रात चोरों ने हार्डवेयर एवं टाइल्स की दुकान को निशाना बनाया। आपको बता दें कि थाना नौगावा सदात क्षेत्र के गांव बिल्ली में शाकिब अंसारी की न्यू आयरन स्टोर के नाम से हार्डवेयर एवं टाइल्स की दुकान है।
हार्डवेयर की दुकान में चोरों ने देर रात दुकान के ताले तोड़कर दुकान से पीतल और ब्रॉस के सामान और नकदी समेत लगभग 1.5 से 2 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। सुबह जब शाकिब अंसारी दुकान पर पहुंचे तो चोरी की जानकारी हुई। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। कस्बा इंचार्ज ने मौके पर जाकर मौका मुआयना किया। वहीं थानाध्यक्ष राजेश कुमार तिवारी ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है, जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। ये दुकान है दिल्ली में नूराय स्टोर व टाइल्स की दुकान है। तो ये रात इसमें चोरी हुई है। सुबह जब आया हम 8 बजे तब पता चला ये दुकान के ताले टूटे हुए थे और दरवाजों के गोदाम के ताले भी टूटे हुए हैं। टंकी के सैनिटरी के गोदाम से जो है पीतल के ब्रास के जो छोटी छोटी टंकियों की मशीनरी हैं, वॉश बेसन की टंकियाँ हैं, काफ़ी सारी टंकियाँ हैं वो गायब हैं। कुछ कैश भी रखा हुआ था, कुछ चल खरीद भी रखी हुई थी कैश की, तो सब चोरी हुआ हुआ है। अभी सामान और कैश मिला के लगभग कितना नुकसान हुआ आपको? लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान है। वहीं यूपी के कानपुर में बर्रा निवासी छात्रा के साथ गैंगरेप और सीने पर ब्लेड मारकर गोदने वाली सनसनीखेज वारदात के सभी आरोपी अभी पकड़े नहीं गए हैं। इसी बीच यहां 8वीं क्लास की छात्रा के साथ रेप की वारदात सामने आई है, जहां पर आरोपी उसको प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद सीने पर अपना नाम लिखकर धमकी दी, जिस तरह नाम लिख रहा हूं उसी तरह तेरा गला काट दूंगा। शिकायत पर पुलिस ने FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, थाना क्षेत्र ग्वालटोली में एक तहरीर पे मुकदमा इसमें दर्ज किया गया 376 304 506 406 और 3/4 में। इसमें जो वादिया की तरफ से जो तहरीर दी गई थी उसमें मुकदमा अमन करके एक व्यक्ति है, तो उसके ऊपर कुछ जो आरोप लगाए गए थे उस पर हम लोग जांच भी कर रहे हैं, मेडिकल की भी सारी चीजें कर रहे हैं और जल्द से जल्द उसको पकड़ने की भी कोशिश करेंगे। तो ये हुआ कि हमारे घर में पैसे ऐसे भरे थे, जब वो चीज पैसे ऐसे मतलब हम लोग ने चेक किया वो पैसे पता चला गायब हुए, तो हम लोगों ने फिर पूछताछ की सबसे, तो पता चला कि फिर इस बहन ने हमें बताया। उससे जब बहुत ज्यादा पूछा गया तो वो इतने डर में थे कि वो पहली बात तो बता नहीं पा रही थी। जब उसने 2 घंटा 4 घंटा हमने पूरी रात उससे पूछा, तब जाके उसने 3 बजे कबूला ये बात कि हमारे साथ ये घटना घटित हो रही है। लखनऊ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 4 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 अदद अवैध देसी तमंचा, 4 अदद जिंदा कारतूस और लूट की घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई है। पकड़े गए 4 शातिर लुटेरों ने बीते 15 मार्च की रात में निगोहा थाना क्षेत्र के सुजौली मोड़ के पास लूट की घटना को अंजाम दिया था। कैटरिंग कारोबारी से इन शातिर लुटेरों ने मोबाइल और पैसों की लूट की थी, जिसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसके बाद पुलिस अफसर लाइंस की टीम तत्परता से लुटेरों की धरपकड़ में लग गई और इन्हें निगोहा क्षेत्र में ही गिरफ्तार कर लिया गया। चारों शातिर लुटेरे निगोहा के शेरपुर लवल गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। चौदह बटा 15 की रात में अर्जुनगंज थाना सुशांत ग्रुप सिटी से 3 लेबर वहां पे काम करके बाइक से आ रहे थे, तो जब ये निगोहा पहुंचे सुदौली मोड़ पर, वहां पर 4 लोग इनकी बाइक को रोके और रोक करके इनसे पैसे वगैरह मांगने लगे और फिर न देने पर डंडे से मारपीट किए और चोट पहुंचा करके फिर इनकी 2 मोबाइल और 8,000 रुपया, जैसा कि वादी ने बताया था दुर्गेश गौतम ने, ये छीन करके और भाग गए। इस पर थाना निगोहा पर अभियोग पंजीकृत हुआ लूट का, और इसमें हमारी सर्विलांस क्राइम ब्रांच की टीम और थाना निगोहा की टीम, दोनों ही टीमों ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।